welcome to Mauje Facts. Facts that are delivered and made understood. Now let's watch the episode 3 of Top 10 Issues That Change the World. Episode 3 is Environment and Climate Change, a weather bomb. Procure the knowledge is to share the knowledge. Please do like and share this video and do not forget to subscribe and press bell icon. Mauje Facts is Environment and Climate Change. अधिक लगातार और तीव्र सूखा, बड़े बड़े तूफान जो आज और भी बड़े हो गए हैं, बवंडर, गर्मी की लहरें, जंगल की बड़ी बड़ी आग जो पूरी दुनिया में कई जगह अब कहीं ना कहीं पाई जाती है, समुद्र का बढ़ता स्तर जो 0.12 से लेके 0.14 इंच प्रति वर्ष बढ़ता है, जो बहुत ज़्यादा है, ग्लेशियरों का पिघलना, महासागर और समुद्र का पानी गर्म होना और बर्फ का लगातार पिघलना। नासा के अनुसार एंटार्क्टिका में स्विट्जरलैंड के बराबर का क्षेत्र 25 साल में पिघल चुका है। 1997 से समझो 37,000 वर्ग किलोमीटर बर्फ पिघल चुकी है। इटली में ईगर ग्लेशियर के 200 ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं। किन जियांग के शोध के बाद पता चला कि पिछले 50 सालों में 509 से अधिक छोटे ग्लेशियर गायब हो गए हैं और यहाँ की एक सबसे बड़े ग्लेशियर भी तेजी से सिकुड़ रहे हैं। इस प्रकार पारिस्थितिक संतुलन भी वातावरण का बिगड़ रहा है। ये सब चीजें मनुष्य और जानवरों को सीधे नुकसान पहुंचा सकता है, उनके रहने के स्थानों को नष्ट कर सकता है और लोगों की आजीविकाओं और समुदायों पर कहर बरपाता है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन बिगड़ता है, खतरनाक मौसम की घटनाएं लगातार या गंभीर हो जाती है। हाल ही में एक अध्ययन के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बच्चों में उनके माता पिता की तुलना में 30% कम एरोबिक फिटनेस होती है और ये संक्रमण और गर्मी के तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवारों दोस्तों के साथ प्रकृति की साथ अप्रकृतिक और अनैतिक हस्तक्षेप द्वारा हमारी अत्यधिक मानवीय गतिविधियों के कारण कुछ प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन से जानवरों की कौन सी प्रजाति खतरे में है और ये इस तरह से है। ध्रुवीय भालू, हिम तेंदुआ, विशालकाय पांडा, बाघ, रानी तितली, हरा सागर कछुआ जैसी बहुत सारी प्रजातियां। ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी है? उसमें आधिकारिक तौर पर जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों के कारण घोषित वैज्ञानिकों ने जून 2016 में उसे रिपोर्ट किया था, लेकिन ऑस्ट्रियाई सरकार ने अब आधिकारिक तौर पर ब्रेम्बल कैमेलेसिस या मेलोमिस रूबिकोला को लुप्त रूप से मान्यता दे दी है, क्योंकि ये एक छोटा ऑस्ट्रेलियाई रैट यानी कि चूहा है जो विलुप्त हो चुका है। लेकिन रुकिए, माँ प्रकृति हमें ब्याज सहित भुगतान करने जा रही है। यह एक मौसम बम है, फटने लगा है, सदियों तक एक साथ चलेगा इसका विस्फोट। सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा क्या है? जलवायु परिवर्तन एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या है जिसका मानवता अगले दशकों तक सामना करेगी। हम उनमें से कुछ पर नजर डालेंगे। जलवायु परिवर्तन को नापने के लिए किन उपकरणों का उपयोग होता है? मौसम स्टेशनों में आमतौर पर ये निम्नलिखित उपकरणों होते हैं। हवा और समुद्र के सतह के तापमान को नापने के लिए थर्मामीटर, ऊंचाई की माप को अल्टीमीटर कहते हैं। अल्टीमीटर जल वाष्प को मापने के लिए मानव निर्मित उपग्रह और माइक्रोवेव रेडियोमीटर का भी उपयोग करता है। वायुमंडलीय दबाव यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर, फिर ह्यूमिडिटी मापने के लिए हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी और हाइग्रोमीटर और थर्मोमीटर दोनों साथ। हवा की गति मापने के लिए पारंपरिक एनीमोमीटर। हवा की गति मापने के लिए डिजिटल एनीमोमीटर और सौर किरण को मापने के लिए एक पायरानोमीटर भी होता है। 10 एनवायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरण के मुद्दे। सबसे पहला है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा है ओजोन लेयर डिप्लेशन, फिर वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डीफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई, आठवां है ओवर पॉपुलेशन,
डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर रिसोर्सिस। नौवां, दसवां है सॉल्यूशंस टू द एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रिवेंशन। ग्यारहवां है हाउ डू वी स्टॉप क्लाइमेट चेंज। बारहवां है हु आर ब्लॉकिंग क्लाइमेट चेंज एक्शन ग्लोबली। तेरहवां है व्हाट आर वर्ल्ड लीडर्स डूइंग टू स्टॉप द क्लाइमेट चेंज। चौदहवां है द मेन वेज टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज आर टू प्रेशर गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस टू। और पंद्रहवां है व्हाट यूएन इज डूइंग ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। और सोलहवां है कंक्लूजन। आज हम ये सब देखेंगे। प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब मोजे फैक्ट्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस। सबसे पहला है क्लाइमेट चेंज। वैश्विक और क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न में बदलाव, फॉसिल फ्यूल के उपयोग से उत्पन्न वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए स्तर के कारण। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग, ऑटोमोबाइल्स और फ्लोरोक्लोरोकार्बन से उत्सर्जन वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को जोड़ता है। इससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है जिससे पर्यावरणीय परिवर्तन हो रहे हैं। दुनिया भर में तापमान से इस वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। तीसरा है ओजोन परत का क्षरण या डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर जो ट्राई ऑक्सीजन से बना है। ओजोन परत तीन ऑक्सीजन से बना एक गैस है जिसकी एक परत पृथ्वी की सतह से 10 से 15 किलोमीटर के बीच स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। यह सूर्य की हानिकारक सबसे गर्म अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परत है जो CFC फ्लोरोक्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट की जाती है जिनका उपयोग उद्योगों में रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे कि एरोसोल के डिब्बे, फ्रीज, AC उसमें किया जाता है। होल्स इन एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में छेद, इन कंपाउंड्स में क्लोरीन ओजोन परत को नष्ट कर देता है। ओजोन परत में छेद मानव और वन जीवों को हानिकारक यूवी किरणों के संपर्क में छोड़ देता है जिसके परिणाम स्वरूप कैंसर सहित कई त्वचा रोग होते हैं। ओजोन क्षयकारी पदार्थ यानी जो ओजोन को तोड़ते हैं वैसे कंपाउंड्स है फ्लोरोक्लोरोकार्बन CFC जो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, सॉल्वेंट्स और ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स में पाए जाते हैं। हेलोन्स जो अग्निशामक या एक्सटिंग्विशर में पाए जाते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो अग्निशामक और सॉल्वेंट्स में पाए जाते हैं। मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो चिपकने वाले या एडहेसिव्स या एरोसोल्स में पाए जाते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि अग्निशामक, एयर कंडीशनर या सॉल्वेंट्स में ये केमिकल्स पाए जाते हैं जो ओजोन लेयर्स को तोड़ते हैं। चौथा है जलवायु प्रदूषण। जल प्रदूषण में नदियों, महासागरों, झीलों और तालाबों में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश जो पानी की भौतिक, रासायनिक या जैविक स्थिति को बदल देता है जल प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषित जल में ऑक्सीजन की कमी होती है और इसीलिए जीव मर जाते हैं। जल जीवन का मुख्य स्रोत है और इसीलिए इसे किसी भी प्रकार के प्रदूषण से बचाना हमारा मुख्य कर्तव्य बनता है। पांचवा है एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। उद्योगों, ऑटोमोबाइल से उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग का परिणाम है। गैसीय उत्सर्जन ने पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को जोड़ा है। इतना ही नहीं, इससे लोगों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है जैसे कि हार्ट अटैक और सांस की बीमारी। ज्वालामुखी प्रतिवर्ष औसतन 130 या 230 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है लेकिन जीवाश्म ईंधन को जलाने से हम लोग हर साल 2005 तक के आंकड़ों को देखें तो वातावरण में 100 गुना अधिक लगभग 26 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नतीजतन मानव गतिविधि हाल के ग्लोबल वार्मिंग में ज्वालामुखी के किसी भी योगदान से 100 गुना ज़्यादा है। छठवां, सॉलिड वेस्ट यानी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठोस सॉलिड वेस्ट प्रबंधन को ठोस कचरे के उत्पादन, भंडारण, संग्रहण, स्थानांतरण और परिवहन और प्रसंस्करण और निपटान से जुड़े अनुशासन के रूप में परिभाषित किया जाता है ताकि इसका पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव ना पड़े। सातवां है डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई। वनों की कटाई एक खतरनाक दर से पेड़ों और जंगलों की कमी कर रही है। पेड़ हमें ऑक्सीजन और कई कच्चे माल प्रदान करते हैं और पृथ्वी के तापमान को भी बनाए रखते हैं। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ों की कमी के कारण पृथ्वी की जलवायु से भी भारी बदलाव आया है। बड़ी संख्या में जंगली जानवर और पौधों का निवास स्थान है।
वनों के विनाश से जैव विविधता को प्रभावित करने वाले बड़ी संख्या में पौधों और जानवरों की प्रजातियों का सफाया हो गया है। जानना जरूरी है कि पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के रूप में केवल 10-15% जंगली आग प्राकृतिक रूप से लगती है, अन्य 85-90% परिणाम मानवीय कारणों के अधीन जंगलों में आग लगती है, जैसे कि छोड़ी गई सिगरेट, आगजनी शामिल पदार्थ या कोई ऐसी चीज जो जंगल में आग लगा देती है। मानव निर्मित वनों की कटाई। चौंकाने वाला संक्षिप्त उत्तर है कि वनों की कटाई से सालाना 15 बिलियन यानी कि 1500 करोड़ से अधिक पेड़ नष्ट होते हैं। आठवां है ओवर पॉपुलेशन, अधिक जनसंख्या। पृथ्वी की आबादी लगभग 8 अरब के करीब विस्फोट कर रही है, इससे संसाधनों की कमी होगी। अगर जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो फिर प्रदूषण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग सहित कई गंभीर पर्यावरण मुद्दे अभी अधिक जनसंख्या से जुड़े हैं जो बढ़ते रहेंगे। नौवां है संसाधनों का विनाश या उसकी कमी। संसाधन का विनाश या कमी तब होती है जब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल प्राकृतिक संसाधन दुर्लभ हो जाते हैं, क्योंकि उसका उपयोग हम बड़ी तेजी से करते हैं जितना कि वे पुनर्प्राप्त हो सके, जैसे ताजा पानी, मछली पकड़ना, खनिज, पेड़, जीवाश्म ईंधन, जैव विविधता, मिट्टी का क्षरण, कटाव आदि। इसी के कारण ये ओवर कंजप्शन होता है। दसवां है प्राकृतिक संसाधनों का अति प्रयोग यानी ओवर कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। अभी पारिस्थितिक ओवरशूट, ये क्या है? पारिस्थितिक ओवरशूट ये है कि पूरे साल का नेचुरल रिसोर्स हम 8 या 9 महीने में उपयोग कर लेते हैं, इसे पारिस्थितिक ओवरशूट कहते हैं। और जिस दिन ये एक साल का पूरा रिसोर्स हम खत्म कर देते हैं वो दिन को पारिस्थितिक ओवरशूट दिन कहते हैं, दैट इज ओवरशूट, इकोलॉजिकल ओवरशूट डे बोलते हैं। प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मोजे फैक्ट्स एंड प्रेस बेल आइकन। सॉल्यूशन टू द एनवायरमेंटल इश्यूज एंड क्लाइमेट चेंज में सबसे पहला है पर्यावरण की सुरक्षा, भी एक सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी का एक केंद्रीय हिस्सा होना चाहिए। नंबर 2, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, ऊर्जा गहन उद्योगों को नियोजित करने वाले मानव जनित विकास को रोकना होगा जो प्रदूषकों के भारी भार को इंजेक्ट करते हैं पर्यावरण में। निपटान वस्तुओं और पुनः प्रायोजित वस्तुओं को बदले यानी कि रिप्लेस डिस्पोजेबल आइटम्स विद रीयूजेबल्स, कागज के प्रयोगों से बचना होगा। पानी और बिजली का संरक्षण करना, पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं का समर्थन करें, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कचरे को रिसाइकल करें। और एक चेतावनी, पर्यावरण के मुद्दे आगामी आपदा की चेतावनी है, अगर इन मुद्दों के नियंत्रित नहीं किया गया तो जल्द ही पृथ्वी पर जीवन नहीं रहेगा। वनों की कटाई को रोकने और वन रोपण अनिवार्य करने के लिए वन पर्यावरण संरक्षण में 2 प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में मदद करता है और ग्रीन हाउस गैस का निर्माण कम करता है, और दूसरा है कि वो पीने के पानी को फंसाकर पानी के तनाव से निपटने में भी मदद करते हैं जो अन्यथा बह जाता है, और यह विशेष रूप से तब होता है जब ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में जंगल मौजूद होते हैं। नाउ इजी एंड इफेक्टिव वेज टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, सबसे है स्पीक अप एंड बी लाउड, जो भी है क्लियर कट कहो। पावर योर होम विद रिन्यूएबल एनर्जी, वेदराइज योर होम्स एंड सेव इलेक्ट्रिसिटी, इन्वेस्ट इन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, रिड्यूस फूड एंड वाटर वेस्टेज, एक्चुअली ईट द फूड यू बाय एंड कंपोज व्हाट यू कांट, बाय बेटर बल्ब्स, पुल द प्लग्स, ड्राइव अ फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स, मेंटेन योर राइड एंड यूज ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सबसे बड़ा सवाल, विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई को कौन रोक रहा है? जीवाश्म ईंधन उद्योग यानी फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री जलवायु परिवर्तन कार्रवाई को रोक रही है। बीपी, एक्सन और शेल जैसी प्रमुख तेल और गैस कंपनियों ने सरकारी नीतियों में देरी करने या रोकने की कोशिश में करोड़ों पाउंड खर्च किए हैं।
जिसमें जलवायु संकट से निपटने में मदद मिल सकती थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अधिक से अधिक स्पष्ट होने के बावजूद प्रमुख कार्बन उत्सर्जन कंपनियां जिसके लिए जिम्मेदार है वो बड़े निगम जीवाश्म ईंधन के लिए ड्रिलिंग और जलाने का काम जारी रखे हुए हैं। बैंक, कार और ऊर्जा कंपनियों सहित उद्योग भी जीवाश्म ईंधन से मुनाफा कमाते हैं। ये उद्योग हमारे ग्रह के भविष्य और इसके लोगों की सुरक्षा को खराब करने पर बड़ा पैसा लगाना जानते हैं। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए विश्व के नेता क्या कर रहे हैं? पूरे ग्रह के एक बड़े संकट के साथ अंतर्राष्ट्रीय पत्री की प्रतिक्रिया और निर्णायक होनी चाहिए। फिर भी विश्व सरकारों द्वारा प्रगति धीमी है, बहुत धीमी। कार्बन उत्सर्जन को काम करने के लिए कई प्रतिबद्धताएं निर्धारित की गई है, लेकिन कुछ बाध्यकारी हैं और लक्ष्य अक्सर चूक जाते हैं। 2015 में पेरिस में 197 देशों के विश्व नेताओं ने लोगों को पहले रखते हुए अपने देशों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया। पेरिस समझौते का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और आदर्श रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना था। जलवायु परिवर्तन को रोकने का मुख्य उपाय सरकार और व्यापार पर भी बड़ा दबाव बनाना था। अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करें, हमारे मुख्य ऊर्जा स्रोतों को स्वच्छ और नवीनीकरणीय ऊर्जा में बदलना जीवाश्म ईंधन के उपयोग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। इनमें सौर यानी कि सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी और टाइडल एनर्जी और थर्मल जियो एनर्जी जैसी टेक्नोलॉजी शामिल है। जीवाश्म ईंधन को जमीन में रखें। जीवाश्म ईंधन में कोयला, तेल और गैस शामिल है और जितना अधिक जलाया जाएगा उतना ही खराब जलवायु परिवर्तन होगा। सभी देशों को जल्द से जल्द अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फॉसिल फ्यूल से दूर करने की जरूरत है। टिकाऊ पर्यावरण पर स्विच करें, कार के उपयोग को कम करें, इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने और प्लेन यात्रा को कम करने से न केवल जलवायु परिवर्तन रोकने में मदद मिलेगी, इससे वायु और ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा। महासागरों की रक्षा करें। महासागर वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित करते हैं, लेकिन फिशिंग और तेल और ग्रेस ड्रिलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। गहरे समुद्र में खनन से खतरा होता है। महासागरों और उनमें जीवन की रक्षा करना, अतः जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी की विविधता को बचाने, खुद को बचाने का एक बहुत बड़ा तरीका है। कंक्लूजन, 1880 में आधुनिक रिकॉर्ड शुरू होने के बाद पिछले 8 साल सबसे गर्म रहे हैं। नासा के हिसाब से तापमान रिकॉर्ड के अनुसार पृथ्वी ने वैश्विक औसतन तापमान 1.1 डिग्री ज्यादा दर्ज किया है 19वीं सदी के अंत के औसत से, जहां पर औद्योगिक क्रांति अभी शुरू ही हुई थी। महासागर विषक्त हो रहे हैं यानी कि टॉक्सिक हो रहे हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से हवा में उत्सर्जित होने वाली लगभग आधी कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र में घुल जाती है और उसके बाद एप्लोसिबल उत्सर्जन परिदृश्यों के एक श्रृंखला के आधार पर 21वीं सदी के अंत तक 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच पृथ्वी का तापमान बढ़ सकता है। और पृथ्वी का एक लंबा इतिहास भी रहा है कि वो अपनी कक्षा के सूक्ष्म परिवर्तन के कारण पिछली सदी में एक और ताकत ने पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, वो है अधिक आबादी वाली मानवता की गतिविधि। हमारा पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और जलवायु परिवर्तन इसके लिए खतरा है। नासा द्वारा सबसे पहले बताया गया कि ये हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित करेगा और फिर वयस्कों को भी। अलग अलग निष्कर्ष इस प्रकार है। कुछ अल्ट्रा अलार्मिस्ट है जो मानव विलुप्त होने के बारे में बकवास करते हैं। मैं एक साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक उदारवादी अलार्मिस्ट हूँ और यह रिपोर्ट कर सकता हूँ कि यदि यह संतुलन जलवायु है जिसके जलवायु अंत बिंदु के रूप में माना जा सकता है, तो यह आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से विनाशकारी होगा, लेकिन मानव विलुप्त होने के स्तर पर नहीं, कम से कम अधिकांश ग्रह के लिए नहीं, लेकिन यह
सदियों आगे की ओर देख रहा है। गॉर्डन स्ट्रेंजर पृथ्वी विज्ञान और जलवायु में पीएचडी एंड क्लाइमेट चेंज ओयू यूके स्नातक 1986 से। अब चिंता मत करो और खुश रहो, पर्यावरण के बारे में सकारात्मक समाचार जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की पॉजिटिविटी यह है कि संयुक्त राष्ट्र घोषित करता है कि स्वस्थ पर्यावरण एक मानव अधिकार है, जैसे कि स्वस्थ भोजन और स्वस्थ पीने का पानी। ग्रेट बैरियर रीफ अब स्वस्थ हो रहा है, बाघ भी वापसी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कारें दहलीज पर पहुंच चुकी है। ब्लूमबर्ग के अनुसार इलेक्ट्रिक कारें अब सभी वाहनों की बिक्री का 5% हिस्सा बनती जा रही है, जो कि बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। 5, चीन का उत्सर्जन उम्मीद से पहले चरम पर होने की उम्मीद है और उसके बाद कम होने लगेगा। भारत ने कई सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपीय संघ ने नेता एक समझौते पर आ गए हैं कि यूरोपीय संघ को 2035 तक जीरो एमिशन वाली कारों की आवश्यकता होगी। आइलैंड में एक नया कार्बन रिमूवल प्लांट है जो क्लाइमेट मेकर्स, एक स्विस कंपनी जो कार्बन हटाने की तकनीक पर आगे बढ़ रही है, कार्बन को हवा से बाहर निकालने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रहे हैं। नाटो ने डिफेंस को कार्बन मुक्त करने की योजना तैयार की है। कोलंबिया फॉसिल फ्यूल को छोड़ने के लिए तैयार है और कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है ताकि फॉसिल फ्यूल से होने वाली रेवेन्यू कम हो सके। फिनलैंड कार्बन नेगेटिव देश होने के लिए प्रतिबद्ध है। कनाडा ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर छोड़ने को आह्वान किया है। ध्रुवीय भालू अपेक्षा से बेहतर जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हो रहे हैं। यूके दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल फार्म बना रहा है। 15वां दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर बनाने वाली कंपनी आईकिया IKEA रिटेल स्टोर्स में होम सोलर पैनल बेचने को शुरू करेगी। FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन कमर्शियल उड़ानों पर उत्सर्जन को सीमित करने के लिए नए नियम बना रही है। एक नई योजना का उद्देश्य यह है कि विमान उद्योगों को 2050 तक शुद्ध जीरो एमिशन के लक्ष्य के करीब लाना। और प्लीज डू कमेंट वेदर दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव और नॉट, एंड प्लीज सब्सक्राइब मोजे फैक्ट्स। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोजे फैक्ट्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।